उसे लगता है ये दोनों मिलकर उसके साथ कोई गेम खेल रहे हैं और अमन यहाँ से चला जाता है और सीधा सिद्धार्थ के घर जाता है, लेकिन वॉचमैन उसे अंदर जाने नहीं देता। तो वो यहाँ से पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर सिद्धार्थ के ऊपर कंप्लेंट करता है, उसने उसकी वाइफ को किडनैप किया है। लेकिन वहाँ की पुलिस को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि ये पूरे गांव के लोग सिद्धार्थ जयवर्धन को बहुत मानते हैं और वो पुलिस कंप्लेंट लिखने से मना करता है। ये देखकर अमन उसका वीडियो बनाने लगता है और उसे धमकी देता है, अगर वो कंप्लेंट नहीं लिखेगा तो वो उसका वीडियो बनाकर वायरल कर देगा, जिसकी वजह से उसकी नौकरी भी जा सकती है। ये सुनकर पुलिस वाला थोड़ा डर जाता है और उसकी कंप्लेंट ले लेता है और उसे सीधा सिद्धार्थ के घर ले जाता है। लेकिन वहाँ पर मीरा पुलिस वालों को बताती है वो अपनी मर्जी से सिद्धार्थ के साथ रह रही है और वो अमन को बताती है वो उसके साथ नहीं रहना चाहती और उसके साथ वो रहकर तंग आ गई है, अब उसके साथ वो डिवोर्स लेना चाहती है। सुनकर अमन हैरान होता है, उसे पूरा 40 फुट का झटका लगाता है और सिद्धार्थ वो पुलिस वालों को बोलता है जल्द से जल्द इसे कहीं दूर भेज दो। लेकिन यहाँ पर अमन नहीं मान रहा होता है तो सीधा मीरा उसके पास आती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। ये सुनकर वो बहुत हैरान होता है और बहुत दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते हुए मीरा भी रोते हुए अंदर चली जाती है और फिर से उसके बैक में उसे पेन होने लगता है और यहाँ पर सिद्धार्थ आता है और उसे बोलता है कि तुमने अच्छा किया, नहीं तो मैं उसे मार देता। हमें यहाँ पर पता चलता है मीरा अभी भी अमन से बहुत प्यार करती है और वो अमन को बचाने के लिए उसे झूठ बोलती है। अब हम अमन को देखते हैं, पुलिस उसे ट्रेन में बिठा देती है और अमन यहाँ पर बहुत दुखी होता है, लेकिन उसके अंदर से उसे आवाज़ आती है मीरा उसे कभी भी ऐसा नहीं कहती, मीरा अभी भी उसे बहुत प्यार करती है और मीरा बहुत बड़े खतरे में है। अब अमन ट्रेन से कूद जाता है और वो यहाँ से एक फूलों की दुकान जाता है और उसे वहाँ पर पता चलता है सिद्धार्थ रोजाना गांव के सारे फूल खरीद लेता है और उसके घर पर रोजाना फूल लेकर एक ट्रक जाती है। अब यहाँ से वो हवेली जाता है और वो देखता है एक जगह पर एक छोटा सा गेट है जहाँ से इजिली से अंदर जा सकते हैं और इजिली से बाहर भी आ सकते हैं और वो यहाँ से रूही के पास जाता है और उसे टैक्सी मांगता है मीरा को सिद्धार्थ के घर से भगा ले जाने के लिए। और यहाँ पर फिर से वो ब्लाइंड आदमी आता है और उसे बोलता है तुम उसे यहाँ से भगाकर नहीं ले जा सकते। अब मीरा की आत्मा सिद्धार्थ के कंट्रोल में है, ये सुनकर वो फिर से उस पर चिल्लाने लगता है, एक बात भी नहीं मानता। तो रूही उसे रोकती है, उसके साथ आने को रेडी होती है। अब अमन उस ट्रक के जरिए हवेली में चला जाता है और वो मीरा के रूम तक भी पहुंच जाता है और वो दिखता है मीरा की बहुत बुरी हालत हो गई है। मीरा अमन को देखकर उसे गले लगा लेती है और उसे सच बताती है और वो दोनों वहां से भागकर टैक्सी में आ जाते हैं और रूही उन लोगों को स्टेशन छोड़ देती है। और यह हवेली में जब सिद्धार्थ मीरा के कमरे में आता है तो वो दिखता है मीरा वहां पर नहीं है और वो सीधा ये देखकर वो एक गुड़िया बनाता है और उसे काटने लगता है। जैसे जैसे वो गुड़िया को तकलीफ पहुंचाता है वैसे वैसे यहाँ पर मीरा को दर्द हो रहा होता है और मीरा उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो यहाँ पर अमन उसे हॉस्पिटल ले जाता है और यहाँ डॉक्टर उसे बोलते हैं मीरा के ब्लड के साथ एक अजीब चीज हुई है, मीरा के ब्लड में दो ग्रुप है, मतलब मीरा की बॉडी में दो लोगों का खून है। ये सुनकर वो हैरान होता है और वो मीरा के पास जाता है। वहाँ पर मीरा उसे बताती है वो सिद्धार्थ के साथ इंटीमेट हुई है। ये सुनकर वो दुखी होता है। इतने में मीरा उठकर सिद्धार्थ के पास भागने लगती है और अजीब से बर्ताव करने लगती है। ये देखकर अमन उसे उस कमरे में बंद कर देता है और हम देखते हैं हॉस्पिटल में अब सिद्धार्थ भी आ जाता है और वो जैसे ही आता है मीरा दरवाजा तोड़कर बाहर आती है और भागकर उसके पास जाती है और वो जाकर सिद्धार्थ को किस करती है। ये देखकर अमन का दिल टूट जाता है और सिद्धार्थ मीरा को वहां से लेकर चला जाता है। अमन अब बहुत दुखी होकर उस ब्लाइंड आदमी के घर चला जाता है और उसे अपने गले से लगाकर रोने लगता है। अब यहां पर वो ब्लाइंड आदमी अमन को सिद्धार्थ की कहानी बताने लगता है और वो बताता है सिद्धार्थ जयवर्धन पिछले 300 सालों से जिंदा है और उसका रियल नेम वीर बहादुर है और वो 300 साल पहले देवी माँ का पुजारी था और उसका एक बड़ा भाई भी था जो मेरे पड़ दादा है। और वो बताता है दोनों भाई अपनी पूरी जिंदगी को देवी माँ के नाम कर दिए थे और एक दिन पूरी दुनिया में एक बीमारी आई जिसका नाम बारबोनी पलिक था और इस बीमारी से बहुत सारे लोग मरने लगे थे और एक दिन वीर बहादुर पर भी इस बीमारी के सिम्टम्स नजर आने लगे। वो अपने आप को समझता था वो देवी माँ का पुजारी है तो वो सबसे अलग है, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही ये सिम्टम्स उस पर आए तो वो देवी माँ से लड़ने लगा और अमर होने का वरदान मांगने लगा, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ बल्कि उसकी बीमारी और बढ़ने लगी। और एक दिन उसे आवाज़ आती है, जब वो उस आवाज़ का पीछा करता है और वो देखता है वहाँ पर एक बड़ा दानव है
जिसका नाम कलयुग होता है, और उसे वो बोलता है अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें अमर होने का वरदान दे सकता हूँ। ये सुनकर वीर बहादुर हाँ करता है और वो दानव उसे बताता है लेकिन बदले में मेरी दो शर्त है। उसे वो बताता है मेरी पहली शर्त है देवी माँ के मंदिर में मौजूद डुगमे के पवित्र पानी को अपने गंदे हाथों से अशुद्ध करना होगा और इस जगह से भगवान का नाम और निशान मिटाना होगा। और दूसरी शर्त बाट के महीने में एक लड़की के साथ 15 दिन तक इंटीमेट होना होगा और पूर्णिमा की रात को उसकी आयु को अपने अंदर लेना होगा और ये हर 12 साल में करना होगा। वीर बहादुर उसकी बात को मान जाता है और उस पवित्र पानी को अशुद्ध कर देता है। उसका भाई भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता और वो जाकर देवी माँ के हाथ में से एक तलवार लेता है जिससे वीर बहादुर को मारा जा सकता था। और अब टाइम प्रेजेंट में आता है और वो उसे बताता है और अब तुम्हारी बीवी की बारी है और तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का समय है, तुम्हें वीर बहादुर को मारकर अपनी बीवी को बचाना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपनी बीवी को खो दोगे। ये सुनकर उसे अमन पूछता है अगर उसे 300 सालों से कोई हरा नहीं पाया तो मैं उसे कैसे हरा पाऊंगा। ये सुनकर वो ब्लाइंड आदमी उसे बोलता है तुम हराओगे उसे उसी तलवार से, तुम उस तलवार को कुंड के पानी में डालकर उसे पवित्र करना होगा और वीर बहादुर के दिल पर वार करना होगा जिससे वो मारा जाएगा। और अब हम मीरा और सिद्धार्थ को देखते हैं। सिद्धार्थ रात के लिए मीरा को तैयार कर रहा होता है और यहाँ पर वो ब्लाइंड आदमी उस तलवार को अमन को दे देता है और वो शीशी भी देता है जिसके अंदर डूंग का पानी था जिससे वो दानव उसके आसपास नहीं आ पाएगा। और यहाँ से अब तलवार लेकर रूही और अमन निकलते हैं और रास्ते में अमन गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी रोकता है और उस पेट्रोल पंप पर रूही वॉशरूम को बोलकर वहाँ से चली जाती है और वो वहाँ से सीधा सिद्धार्थ के पास चली जाती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है रूही वो दानव है और वो सिद्धार्थ को बोलती है मुझे वो तलवार मिल गई है, तुम चाहो तो उसे मैं तुम्हारे पास ला सकती हूँ। ये सुनकर सिद्धार्थ उसे बोलता है अभी तो वो एक लोहे का टुकड़ा है लेकिन जैसे ही उसके ऊपर कुंड का पानी चढ़ेगा तो बहुत पावरफुल हो जाएगी जब मैं उसे तोड़ दूंगा। अब रूही वहाँ से वापस आती है और अमन और रूही वहाँ से देवी माँ के मंदिर चले जाते हैं और वहाँ पर अमन उस तलवार को कुंड के पानी में डाल देता है और जब वो उड़ता है तो देखता है रूही वहाँ पर नहीं है और उसे रूही की चिल्लाने की आवाजें आने लगती है और वो दिखता है रूही को कोई खींच रहा है। वहाँ पर रूही उसे कुंड के पानी की शीशी मांगती है तो उसे वो दे देता है। अमन जैसे ही उसे देता है वो लेकर अंदर चली जाती है और पीछे से दानव बनकर आती है और अमन पर अटैक करती है। अमन भी उस तलवार से उस पर अटैक करता है और रूही इंसान के भेष में आ जाती है। रूही को देखकर अमन हैरान होता है और वहाँ से भाग जाता है और फिर से रूही दानव का रूप लेकर उसका पीछा करने लगती है और उस पर अटैक कर उसकी गाड़ी को एक जगह पर गिरा देती है। लेकिन फिर से अमन उसके पैर पर अटैक करता है और जैसे वो इंसान के रूप में आती है तो उसका गला काट देता है। यहाँ से अब अमन हवेली जाता है जहाँ पर सिद्धार्थ अभी शुरू ही करने वाला था। अब यहाँ पर ये दोनों में अच्छी तगड़ी फाइट होने लगती है और यहाँ पर अमन उस तलवार को सिद्धार्थ के दिल के आर पार कर देता है जिससे सिद्धार्थ मारा जाता है और मीरा होश में आ जाती है और वहाँ से सिद्धार्थ की लाश धूल भरकर उड़ने लगती है और अचानक अमन नीचे गिर जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। वहाँ पर हम देखते हैं घड़ी को, टाइम आगे पीछे हो रहा होता है और अब हम देखते हैं अमन को हॉस्पिटल में। जब अमन कोमा से बाहर आया था वही टाइम पर हम अमन को देखते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है ये जो भी कांड हुआ है ये सिर्फ अमन के दिमाग में हुआ है और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है और सेम जैसा हुआ था वैसा होता है। अमन होश में आता है, ये देखकर मीरा बहुत खुश होती है और उसे माफी मांगने लगती है। फिर उसके दिमाग में चले हुए इंसिडेंट से बहुत कुछ सीख लेता है और अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है और अब अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर उसे भी मूव ऑन कर लेता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आएगी और अच्छी भी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।